जो दादा श्रोमणि कवि दादा लक्ष्मीचंद की कलम से एक उपदेशिक बात आपके बीच में बताया है कि मनुष्य को अपने जीवन में क्या क्या काम नहीं करने चाहिए और पहलवान को लंगोटी का कच्चा नहीं होना चाहिए और साथियों मर्द बेशक नशीला हो वीर को नशीला नहीं होना चाहिए और हिसाब किताब का कागज कभी नहीं जलाना चाहिए। सुनेंगे उपदेश के माध्यम से किस तरह से लिखा है आदरणीय दादा लक्ष्मीचंद ने। हाँ निर्दोष मानस ने लोगो दोष लगाना ना चाहिए बंजर खेती हल कूद के वहाँ बैल भगाना ना चाहिए बैल भगाना ना चाहिए खेती हड़कुद के वहाँ बैल भगाना ना चाहिए बैल भगाना ना चाहिए। हाँ अस्सी बीघे हाँ अस्सी बीघे जमींदार घर तेना टोटा ना चाहिए हल्का छोरा बोझा भारी जबर भरोट ना चाहिए जबर भरोट ना चाहिए। बिजनेस चाहे कैसा भी हो अकल का टोटा ना चाहिए पंचों में बोलन की खातर मानस खोट ना चाहिए मानस खोट ना चाहिए। जलाना ना चाहिए बंजर खेती हड़कुद के माँ बैल भगाना ना चाहिए बैल भगाना ना चाहिए। छोटी ना चाहिए लड़े अखाड़े में कुश्ती फिर नरम लंगोटी ना चाहिए नरम लंगोटी ना चाहिए। जंगल में हाली पाली बिन चुपड़ी रोटी ना चाहिए कद का बेशक छोटा हो पर इज्जत छोटी ना चाहिए इज्जत छोटी ना चाहिए। बंजर खेती हड़कुद के वहाँ बैल भगाना ना चाहिए बैल भगाना ना चाहिए। चाहिए मर्द नशीला बेशक हो पर वीर नशीली ना चाहिए वीर नशीली ना चाहिए। दुश्मन के लिया बात करो जब जीव रसीली ना चाहिए हड़कुए का काम करो जब धोती ढीली ना चाहिए धोती ढीली ना चाहिए।
करना चाहिए। बंजर खेती हल कूद के वहाँ बैल भगाना ना चाहिए, बैल भगाना ना चाहिए। चाहिए रंग की बेशक काली हो पर पेट की काली ना चाहिए, पेट की काली ना चाहिए। करीबीर ने एक बरस तक देनी ताली ना चाहिए, प्यार करो यार पुचकारो फिर देनी गाली ना चाहिए, देनी गाली ना चाहिए। श्री लक्ष्मी चंद हाँ लक्ष्मी चंद के भरी सभा में गंदा गाना ना चाहिए। बंजर खेती हल कूद के वहाँ बैल भगाना ना चाहिए, बैल भगाना ना चाहिए। हो निर्दोषी मानस ने लोगो दोष लगाना ना चाहिए। बंजर खेती हल कूद के वहाँ बैल भगाना ना चाहिए, बैल भगाना ना चाहिए।